बॉन्डेक्स के रिगार्डिंग लगभग दो तीन वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। एंड इस वीडियो में भी हम लोग बॉन्डेक्स के कुछ चीज़ों के ऊपर नजर डालेंगे, जैसे कि बॉन्डेक्स का जो लिस्टिंग है यानी कि मेननेट है, उसको इतना पीछे क्यों किया गया है, प्लस यहाँ पे गूगल क्लाउड के साथ बॉन्डेक्स का क्या रिलेशन है, एंड बैंड कंट्रीज में से बांग्लादेश जो है, तो बांग्लादेश के जितने भी माइनर्स है क्या वो लोग बॉन्डेक्स के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में नजर डालेंगे। सो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉन्डेक्स का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे नज़र डालेंगे। तो ये रहा स्क्रीन में, आप लोग देख सकते हैं बॉन्डेक्स का ट्विटर अकाउंट। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि हम लोगों के पास काफ़ी सारे बड़े बड़े माइनिंग हम लोग एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, जैसे बड़े बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट्स है जैसे कि पीआई नेटवर्क, कोर माइनिंग, उनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, बट किसी का भी ट्विटर अकाउंट यहाँ पे ट्विटर की तरफ से वेरीफाइड नहीं है। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बॉन्डेक्स का जो ट्विटर अकाउंट है यहाँ पे ट्विटर की तरफ से वेरीफाइड अकाउंट है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है कि ये जो टीम है या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑलरेडी वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। प्लस मेरे कुछ पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि बॉन्डेक्स के साथ बाइनेंस ऑलरेडी लाइव सेशन कर चुका है। आप लोग चाहे तो ट्विटर में आके उसको सर्च कर सकते हैं, ऑलरेडी बॉन्डेक्स के साथ बाइनेंस लाइव सेशन कर चुका है। एंड हाल ही में कुछ दिन पहले इंडियन एक्सचेंज मुद्रेक्स के साथ भी बॉन्डेक्स का एक लाइव सेशन चल चुका है। सो यहाँ पे बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है, मतलब पॉजिटिविटी का कनेक्शन बनता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी तगड़ा वाला पावरफुल प्रोजेक्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सो अगर आप लोग यहाँ पे माइनिंग नहीं कर रहे तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा, जितने भी माइनर्स हैं, जितने भी लोग माइनिंग करते हैं, सब लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे माइनिंग को ऑब्वियसली स्टार्ट करें। काफ़ी अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, काफ़ी वेरीफाइड प्रोजेक्ट है। सो अभी हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक पोस्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो कि पॉन्डेक्स ने किया था लगभग 12 अक्टूबर को। हाँ ये रहा, तो यहाँ पे 12 अक्टूबर को पॉन्डेक्स ने एक पोस्ट किया था, गूगल सेड ट्विस्ट दैट इट विल रिले ऑन क्वाइन बेस टू स्टार्ट लेटिंग सम कस्टमर पे फॉर क्लाउड सर्विस विद क्रिप्टो करेंसी अर्ली इन 2023। वी आर एक्साइटेड, वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस, डू यू प्रेफर टू पे इन क्रिप्टो और फियट। सो यहाँ पे एक पोस्ट किया गया था बॉन्डेक्स की तरफ से, यहाँ पे कह रहे हैं ये लोग कि गूगल ने एक कमिटमेंट किया कि 2023 के बाद क्वाइन बेस के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को गूगल पे यूजर्स के लिए अलाउ किया जाएगा, जहाँ पे गूगल क्लाउड के जितने भी कस्टमर्स हैं वो लोग क्रिप्टो करेंसी के बदले में यहाँ पे गूगल क्लाउड की सर्विस को परचेज कर सकते हैं। एंड इसका लिंक भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप लोग आके इस पोस्ट को यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। तो इस गूगल के इस डिसीजन के साथ पॉन्डेक्स का क्या रिलेशन है वो मैं आप लोगों को वीडियो के आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले और कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोगों को नज़र देना यहाँ पे ज़रूरी है। सो अब हम आ चुके हैं बॉन्डेक्स का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे, एंड बॉन्डेक्स का जो एडमिन टीम है उनके द्वारा एक मैसेज किया गया था जिसका सारांश कुछ इस तरीके का आता है कि टोकन लिस्टिंग का जो टारगेट है उसको क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री में किया गया है 2023 के, जब इसके इकोसिस्टम में मल्टी मिलियन यूजर चलाएंगे। मतलब ये बस एक टारगेटेड डेट है, ये कोई फिक्स डेट नहीं है, हो सकता है इसके आप पहले भी हो जाए या फिर इससे भी लेट हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम का जो मेन फोकस है वो एक प्रोडक्ट को डेवलप करना है जो कि मतलब पूरे क्रिप्टो स्पेस एंड वेब थ्री के लिए सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं होगा बल्कि पॉन्डेक्स टोकन के लिए एक पावरफुल बैकअप एंड लिक्विडिटी को प्रोवाइड करेगा। एंड विदाउट एनी यूटिलिटी पॉन्डेक्स टोकन को लिस्ट करना यानी कि एक बेवकूफ़ी भरा काम होने वाला है। तो यही कुछ इनके मैसेज में लिखा है, आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इनका जो लाइट पेपर है वहाँ पे। तो लाइट पेपर के थ्रू मैं आप लोगों को एक बार पिछले वीडियो में लेके गया हूँ, बट इस बार फिर से मुझे आपको दिखाने के लिए उस लाइट पेपर को ओपन करना पड़ेगा। तो हम लोग जरा सा वेट करके लाइट पेपर को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। कहाँ पे गया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे जब तक कि पेपर ओपन होता है। सो ये जो इनका लाइट पेपर है ओपन हो गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए वेब 3.0 प्रोफेशनल नेटवर्क फॉर फ्यूचर ऑफ वर्क। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था कि ये एक प्रोफेशनल नेटवर्क बना रहा है जहाँ पे मतलब टैलेंट हायरिंग चलेगा, जैसे कि हम लोग फ्रीलैंसिंग वेबसाइट्स में देखते हैं अक्सर। तो अभी हम लोग सीधे यहाँ पे रोड मैप पे आते हैं, मेन पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे फोकस करते।
तो जरा सा जूम इन करके आप लोग देख सकते हैं फेज टू 2022 में ये सब काम यहाँ पे करने वाले थे। अब फेज थ्री जो है वो आने वाला है 2023 में। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस चेन क्रिप्टो वॉलेट एक्सेस ए ग्लोबल सूट ऑफ 25 प्लस थर्ड पार्टी पेमेंट ऑप्शन 220 कंट्री एंड 135 करेंसीज। यानी कि यहाँ पे क्रॉस चेन क्रिप्टो वॉलेट को क्रिएट किया जाएगा जो कि 25 से ज़्यादा थर्ड पार्टी पेमेंट को सपोर्ट करेगा एंड 220 कंट्रीज में 135 क्रिप्टो करेंट मतलब 135 से ज़्यादा करेंसीज को भी ये सपोर्ट करेगा। तो ये जो वॉलेट है ये एक्चुअली में है उनका प्रोडक्ट, बट एंड सिर्फ क्रिप्टो वॉलेट ही नहीं, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक टैलेंट हायरिंग मतलब प्रोफेशनल नेटवर्क बनने वाला है, तो यहाँ पे वॉलेट के साथ साथ यहाँ पे सोशल कनेक्शंस प्लस यहाँ पे कैंडिडेट हायरिंग और जॉब प्रोफाइलिंग सब कुछ एक ही एप्लीकेशन में मिलेगा। तो इस टाइप का एप्लीकेशन यानी कि इस टाइप का वॉलेट जो है बाइनेंस के सपोर्ट के साथ इसको अच्छे लेवल का प्रमोशन भी मिल सकता है एंड अच्छे लेवल का यहाँ पे लिक्विडिटी यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है टोटली अच्छा साबित हो सकता है हम लोगों के लिए। तो अभी बात करते हैं इसका जो गूगल के साथ क्या कनेक्शन है। तो बेसिकली सबको पता है कि अभी के टाइम पे काफ़ी काफ़ी सॉरी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि कोर माइनिंग पीआई नेटवर्क जो कि वेब थ्री के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन वेब थ्री का एरा अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। बट 2023 के अंदर मतलब 2023 के बाद वेब थ्री का एरा स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो गूगल ने यहाँ पे डिसाइड किया जब वेब थ्री स्टार्ट हो जाएगा तो गूगल अपने क्लाउड प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम को अलाउ करेगा जो कि कॉइन बेस के द्वारा होगा। तो यहाँ पे अगर गूगल एंटर करता है मतलब क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में तो हम सबको पता है कि लगभग एक साल के ऊपर हो चुका है बियरिश मार्केट चल रहा है यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और क्रिप्टो का जो प्राइस है प्राइस हमेशा गिरता ही जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे गूगल सपोर्ट करेगा ये क्रिप्टो करेंसीज को तो इसके पास टोटल क्रिप्टो स्पेस के लिए ये बहुत बड़ा न्यूज़ है क्योंकि गूगल कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, एज पर हम लोग कह सकते हैं इंटरनेट का गॉडफादर है। आज की डेट में हर एक इंडिविजुअल यूजर गूगल को यूज़ करते हैं एंड क्लाउड पेमेंट यानी कि काफ़ी सारे स्टोरेज को काफ़ी सारे कंपनीज को परचेस करना पड़ता है, इंडिविजुअली यूजर्स को परचेस करना पड़ता है एंड वहाँ पे अगर इस क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट सिस्टम को गूगल स्टार्ट कर देता है तो ये क्रिप्टो टोटल क्रिप्टो स्पेस के लिए ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। एंड इसी बियरिश मार्केट के लिए आज की डेट में हम लोग देख सकते हैं पीआई नेटवर्क कोर माइनिंग कोई भी अपने मेन नेट को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए तैयार है नहीं है। इनका भी कुछ ऐसा ही प्लान है कि पहले तो इनका वॉलेट को क्रिएट करना है, एक लिक्विडिटी यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बैकअप को बनाना है, देन इनके जो टोकन है इसको बुल मार्केट के ठीक पॉइंट में इसके टोकन को लिस्ट करना, यही इनका टारगेट है। मतलब टोटली ये प्रोजेक्ट अगर आप लोग यहाँ पे माइनिंग करते हैं तो एक अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। इनका जो प्लान टोटल रोड मैप आप लोग चाहे तो व्हाइट पेपर को देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को व्हाइट पेपर में ज़्यादा डिटेल्स में आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। कहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो टोकन का जो टोकन सॉरी टोकनॉमी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीट प्री सेल के लिए 35 मिलियन, प्राइवेट प्री सेल के लिए 90 to 120 मिलियन एंड मैक्स सप्लाई इनका जो है ओनली 500 मिलियन जो कि सोलाना के बराबर है। अब प्री सेल की बात अगर करूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री सेल हो चुका है जो कि पर बॉन्ड एक्स 1.2 या 1.3 सेंट के करीब था एंड जो सेकंड प्री सेल होने वाला है वो 1:2 रेशियो में यानी कि पर बॉन्ड एक्स टोकन यहाँ पे 3 सेंट के प्राइस में यहाँ पे पर बॉन्डेक्स टोकन का प्री सेल किया जाएगा। सो मेन कहने का उद्देश्य यही है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, बाइनेंस सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे सोलाना इनको टेक सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ है कि बाइनेंस अगर इसको सपोर्ट करता है तो ये जो कॉइन है इसका जो फर्स्ट लिस्टिंग होगा वो बाइनेंस के अंदर ही होगा, और सोलाना अगर यहाँ पे टेक सपोर्ट कर रहा है तो ये सिर्फ बीएससी चेन में नहीं बल्कि सोलाना चेन में भी इस टोकन का लिस्टिंग को की सॉरी इसकी लिस्टिंग को किया जाएगा एंड काफ़ी सारी जगह से यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है इनको। आप लोग चाहे तो इनके व्हाइट पेपर को खोल के देख सकते हैं, इनका जो टोटल पार्टनर है काफ़ी बड़े बड़े पार्टनर्स इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सो बस कहने का यही मतलब है कि आप लोग यहाँ पे अगर माइनिंग नहीं कर रहे तो आप लोग माइनिंग स्टार्ट कीजिए, हो सकता है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस चला जाए, बट आज से अगर आप लोग माइनिंग करेंगे तो आप लोगों को आने वाले टाइम में अच्छे खासे अमाउंट में बॉन्डेक्स टोकन आप लोग कलेक्ट कर पाएंगे। एंड ये जो बॉन्डेक्स है इस प्रोजेक्ट के पावर के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया यहाँ पे लग चुका ही होगा एंड इसका जो प्राइस है ये काफ़ी अच्छा खासा जा सकता है आने वाले फ्यूचर में। बॉन्डेक्स में कुछ कंट्रीज को बैन रखा गया है जहाँ पे लोग बॉन्डेक्स को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, मतलब बॉन्डेक्स का यूज़ केस यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, या फिर फर्दर जब केवाईसी यहाँ पे चालू होगा
तो केवाईसी को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो ऐसे कुछ कंट्रीज को बैन किया गया है जिसमें से बांग्लादेश एक कंट्री है। तो इसी लिए मैं बॉन्डेक्स का जो एडमिन टीम है उनके साथ कन्वर्सेशन करा हूँ, और उनके द्वारा मतलब बॉन्डेक्स के एडमिन टीम का कहना है कि फिलहाल के लिए बांग्लादेश जो कंट्री है वो बैन के लिस्ट में है, बट वो लोग मतलब पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में भी बॉन्डेक्स के यूज़ केस को बढ़ाया जाए एंड बांग्लादेश में भी लोग माइनिंग कर पाए, केवाईसी कंप्लीट कर पाए एंड टैलेंट हायरिंग जो ये टोटल जो प्रोजेक्ट है इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो बांग्लादेशी कोई भी अगर यहाँ पे वीडियो देख रहा है और ज्वाइन करना चाहता है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, 30-40 सेकेंड का ही काम है, बस एप्लीकेशन को ओपन करके और माइनिंग के बटन में टैप करना होता है पूरे दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार। तो आप लोग कीजिए, अगर आपका जो बांग्लादेश कंट्री है वो बैन लिस्ट से हट जाता है तो आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पे। तो वीडियो में बस इतना ही। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बॉन्डेक्स का लिंक मिल जाएगा, आप लोग अगर चाहे तो इसमें माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं एंड एक और वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग उस वीडियो को चेकआउट करके यहाँ पे बॉन्डेक्स में माइनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। ओके, जय हिंद।